तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ चुके हैं आज एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ़ोन का जो पावर बटन होती है उसे आप कैसे इजी तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम अप डाउन की जो बटन होती है उसे मतलब असेंबली मशीन की मदद से चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बट इससे थोड़ा सा मैं आपको आयरन की मदद से आपको चेंज करके दिखाऊंगा। बहुत ही इजी मेथड है ये। तो आपको करना क्या है, सिंपली आयरन को ऐसे रख देना है, ठीक है ना। आपका आयरन अच्छा हीट होना चाहिए। अगर फ़ैन वगैरह यूज़ कर रहे हो पंखा, तो आप उसे बंद कर देना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आयरन को नॉर्मल बस ऐसे रख देना है और आपकी जो की है उस पर थोड़ा सा पेस्ट डाल देना, ठीक है ना। और आपको जो ऐसे पकड़ के और आयरन के ऊपर नहीं रखना है, पूरा ऊपर नहीं रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है बस, पूरा टच मत होने देना, वरना आपका जो पावर की का जो पत्ता है वो जल सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, ठीक है। इस पर ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, निकल नहीं रहा है। ब्लैक पेस्ट जो होता है वो ही लगा हुआ है नीचे से, जो इसका मेन पार्ट है वो भी हल्का सा जलने लगा। तो मैं उस जो ब्लैक पेस्ट है उसे काट देता हूँ ब्लेड से, क्योंकि इतनी आसानी से ये निकलने नहीं देगा, ठीक है ना। तो काट दिया हूँ मैं, अब फिर से निकालते हैं इसको। अब वो पूरा आयरन से टच नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीके से निकल चुका है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो बटन पे जो हमारा शोल्डर लगा होता है वहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक पेस्ट जो लगा हुआ है, तो ये निकलने नहीं दे रहा था इतनी आसानी से। तो आपको यही करना है, आयरन की मदद से निकालना है। आपका आयरन बहुत अच्छा हीट करना चाहिए और पूरा आयरन से आपको चिपकाना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, ठीक है ना। वो चिमटी की मदद से आप उठा लेना है बटन को, ठीक है ना। तो मैं जो ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है इसे ब्लेड से हटा दूंगा। आप लोग भी बस इसी प्रकार से आप बटन वगैरह जो पावर की वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो बटन होती है वो आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हो, वो भी बिना असेंबली मशीन की मदद से। तो इसे मैं साफ़ कर दिया हूँ ब्लेड से। अब जो हमारा जो छोटा डीसी आयरन होता है 12 वोल्ट, उससे हम इसके जो शोल्डर हैं उसे प्रॉपर सही कर लेंगे, ठीक है ना। और जो न्यू बटन है उस पर भी हमें शोल्डर लगाना होगा, क्योंकि शोल्डर लगा देंगे तो बटन हमारी बहुत अच्छे से लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस पर मैं आयरन से अच्छे से शोल्डर कर दिया हूँ एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा शोल्डर ज़्यादा लगा रहेगा तो बटन जो हमारी है वो बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी यही सेम प्रोसेस कर लेना है, ठीक है ना भाई लोग। वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करके प्रेस कर देना। उससे होता क्या है, हम जब भी एक नई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो बटन है जो हमारी, जो इस पर भी थोड़ा थोड़ा शोल्डर लगा देंगे हम, ताकि बटन हमारी बहुत ही आसान से तरीके से लग जाएगी जल्दी से, ठीक है ना। और अभी हमारे चैनल पे ओनली 50 सब्सक्राइबर ही है, तो हमें इस महीने के एंड तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सिंपली ऐसे थोड़ा सा पेस्ट लगाना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा पेस्ट लगा के आपको बटन को ऐसे इस पर रख देना है, ठीक है ना। ये फिर से गिर गई नीचे, तो मैं इस पर पेस्ट लगाना ही पड़ेगा मुझे। मैं ऐसे रख रहा हूँ नॉर्मल, तो गिर रही है बार बार इस पर से, तो थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं इस पर। अब आपको ऐसे रख देना है इस पर, ठीक है ना। अच्छे से सेट करके ऐसे रख देना है बस, पेस्ट ज़रूर लगा देना ताकि आपकी बटन हिलने से गिर रहे ना, ठीक है ना। थोड़ा सा पेस्ट लगा के आपको फिर से वही प्रोसेस करना है, आयरन के ऊपर रखना है थोड़ा सा, आयरन से पूरा टच नहीं करना है इसे, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, देख सकते हैं हमारा जो शोल्डर वगैरह है वो सब कुछ पिघल चुका है, तो हमारी जो बटन है वो फिक्स हो चुकी है, ठीक है ना। तो यही बहुत इजी तरीका था, आप वॉल्यूम अप डाउन बटन वगैरह और पावर बटन वगैरह को आप बहुत ही इजी तरीके से चेंज कर सकते हो। तो वह लोग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हम जब भी एक नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।